अभी हम बाबा मौज दरिया के दरबार के अंदर वाली साइड में दाखिल हो रहे हैं और ये देखें दरबार का कदीमी दरवाज़ा कितना मजबूत। ये मज़ार एकदस हजरत सईदी कुतुब आलम अलाउद्दीन मौज दरिया सजादा नशीन हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, इनका जो तरीके वसाल है 722 हिजरी 22 शवाल बिल मुताबक 1223 को हुआ। ये मज़ार एकदस हज़रत सैयद कुतुब आलम अलाउद्दीन मौज दरिया और इसके साथ मरीदैन साहबान की कब्रें मौजूद हैं। बहुत ही कदीमी दरबार है ये। ये बाबा फरीद शकरगंज के दरबार पर मौजूद तरीकी झुंड का दरख्त। दोस्तों ये कब्रें आप सरकार के जो गद्दी नशीन थे, जो आपके अकीदतमंद थे, जो आपके मरीदैन थे, जो आपके ख़ास क्लोज लोग थे उनकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हज़रत मियाँ अली मोहम्मद ख़ान साहब उनकी कब्र है और ये इनकी अगर तरीके पताई देखी जाए तो 28 जनवरी 1975 लिखा गया है। और इसी तरह ये एक दूसरी कब्र है, इसमें सैयद दीवान मसूद चिश्ती साहब लिखा गया है। और इसी तरह हमें एक और चीज़ यहाँ पर नज़र आई है कि यहाँ पर ये कब्र के लिए एक जगह मखसूस की गई है। ये आप देख सकते हैं कि मखसूस जगह कब्र। शरीफ में हाजिरी देने के बाद अभी वापस जा रहे हैं। Oh, yeah.
ये देगें वगैरह बनाई जा रही हैं यहाँ पर दरबार के साथ, देगों वगैरह का इंतज़ाम किया जाता है यहाँ पर, जो ज़ायरीन वगैरह आते हैं उनके लिए ये देगें तैयार की जाती हैं यहाँ पर। बाबा फरीद शकरगंज के शक्कर और ये मखाने और ये रेवड़ी वगैरह 150 की शक्कर है और ये मखाने कितने के हैं जी? 200 के। हाँ जी, चलो ले लें फिर, दोबारा क्या लेना तो पड़ेगा। ले लें फिर, क्या करना है, आपको भी चाहिए। बाबे फरीद की शक्कर है 150 रुपए की और ये 100 का ये मखाने और खजूर वगैरह दोनों एक एक ले लें जी। एक मेरे लिए ये शक्कर और ये मखाने दोनों हो गए, ये सेपरेट कर दें।